सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 3 जनवरी 2022 और आज है मंडे का दिन। तो DSSSB के द्वारा बड़ी धमाकेदार अपडेट आज रिलीज की गई है वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट। इस समय पर हम फ्रेंड्स विजिट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम DSSSB के द्वारा जारी किए गए सभी रिजल्ट्स, कट ऑफ, ई डोजियर के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो सबको जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सारी अपडेट को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 3 जनवरी 2022 के लेटेस्ट अपडेट है और कुछ नोटिस तो ऐसे हैं जिनको रिलीज आज की डेट में किया गया है, लेकिन उनको तैयार कर दिया गया था 31/12/2021 को, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया था। वो सब भी आज की ही डेट में 3 जनवरी 2022 को ही वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, तो उन सबको भी हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये है हमारा नोटिस नंबर 82 और ये है ई डोजियर के रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और पोस्ट है यहाँ पर लीगल असिस्टेंट इन DTC अंडर पोस्ट कोड है 10/20। तो 10/20 इस पोस्ट कोड के लिए ई डोजियर के अपलोड के रिगार्डिंग ये नोटिस DSSSB के द्वारा आज रिलीज किया गया है। और इस एडवर्टीजमेंट में 4 वैकेंसीज थी, जिसमें कि जनरल की 3 वैकेंसीज थी और OBC की 1 थी। और फ्रेंड्स, 175 कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर अपीयर किया था और अब इसके मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं और ई डोजियर को अपलोड करने के रिगार्डिंग ये नोटिस DSSB ने जारी किया है। तो जो कैंडिडेट है वो अपने मार्क्स को DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कैंडिडेट अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। और ये कट ऑफ रिलीज कर दी गई है फ्रेंड्स, 200 मार्क्स में से कट ऑफ बनाई गई है, जिसमें कि जनरल की 95.25 और OBC की 80 मार्क्स तक की कट ऑफ रही है। तो जिनके भी मार्क्स इस क्राइटेरिया में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, वो कैंडिडेट ई डोजियर को अपलोड कर सकते हैं। और आपका जो लिंक है ई डोजियर का वो कब तक एक्टिवेट रहेगा फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा। द ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिव फॉर 15 डेज ओनली, 15 दिन तक के लिए आपका ई डोजियर का लिंक एक्टिव रहेगा। 4 जनवरी 2022 से लेकर के 18 जनवरी 2022 तक का टाइम पीरियड आप लोगों को दिया गया है, ताकि आप इजीली सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके ई डोजियर पर अपलोड कर सकें। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोटिस है, आप देख सकते हैं नोटिस नंबर 83, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो, पोस्ट कोड है 56/20, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी GNCT ऑफ दिल्ली। ये 31/12/2021 को ही रेडी हो गया था, लेकिन आज 3 जनवरी 2022 को ही ये रिलीज किया गया है, क्योंकि सैटरडे और संडे DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे अपलोड नहीं किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी थी, जिसमें कि जनरल की ही दोनों वैकेंसी थी और 21 कैंडिडेट थे जो कि इस पोस्ट के लिए अपीयर हुए थे, और अब इसके मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं। कैंडिडेट DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट है जिसको कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है प्रोविजनली, और इनको बोला गया है ई डोजियर को अपलोड करने के लिए। जो इसकी कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी थी, तो जनरल की ही कट ऑफ यहाँ बनाई गई है। 200 मार्क्स का ये आपका एग्जाम था और 89.50 ये आपकी कट ऑफ रही है। और ई डोजियर का लिंक आपका एक्टिव रहेगा 5 जनवरी 2022 से लेकर के 19 जनवरी 2022 तक के लिए, तो ये टाइम पीरियड आपको दिया गया है। और नेक्स्ट नोटिस है फ्रेंड्स हमारा नोटिस नंबर 81, लेबोरेटरी असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन, पोस्ट कोड है 46/20, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पर भी एक कैंडिडेट है जिनको कि ई डोजियर को अपलोड करने के लिए कहा गया है, सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी इनको दी गई है डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स को ई डोजियर पर अपलोड करने के लिए। रोल नंबर ये यहाँ इनका बता दिया गया है, और रिमार्क्स में वो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ई डोजियर पर अपलोड करने हैं। आपका ई डोजियर का जो लिंक है वो 4 जनवरी 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2022 तक ही ओपन रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको ये सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो इसमें जरा भी आप डिले मत कीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट नोटिस को हम देख लेते हैं। ये है फ्रेंड्स नोटिस नंबर 83 और डेट आप देख सकते हैं आज की ही अपडेट है। नोटिस है ये फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर टीयर सेकंड एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इन DTC, पोस्ट कोड 8/20। तो 8/20 जो पोस्ट कोड है उसके मार्क्स रिलीज
शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं और कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ देखिएगा 23 ये टोटल वैकेंसी थी, जिसमें की AWS की 2 थी, जनरल की 11, OBC की 6, SC की 3 और ST की 1, और यहाँ पर 703 कैंडिडेट थे जो कि यहाँ अपीयर हुए थे और इनके अब मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, कैंडिडेट अपने मार्क्स को लॉगिन करके ऑफिशियल वेबसाइट पर OARS मॉड्यूल, ये DTPLASBY का पोर्टल है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं और आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज रिलीज कर दी गई है। तो आप देखिएगा यहाँ टोटल वैकेंसीज थी 23, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है टोटल 179। ये ऊपर वाली कॉलम में आपकी यहाँ वैकेंसी कैटेगरी वाइज दे दी गई है फ्रेंड्स, और कट ऑफ देखिए ये नीचे आपकी दी गई है, जो जनरल की कट ऑफ है ये आपकी 102.55 रही है, AWS की जो कट ऑफ है वो आपकी 78.57 रही है, और यहाँ पर 2 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं आपके जो कि जनरल में काउंट किए जाएंगे AWS के। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है 2 कैंडिडेट आपके AWS के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और OBC के फ्रेंड्स यहाँ पर 60 कैंडिडेट थे, जिनमें की 19 को ना शॉर्ट लिस्ट किया गया है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि इंक्लूड्स 19 फ्रॉम OBC, और इसकी OBC की जो कट ऑफ है 78.57 रही है, SC की कट ऑफ है फ्रेंड्स यहाँ पर 90.05, और इसमें 15 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है जनरल में जो कि SC कैटेगरी के है। ये देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कि 15 जो कैंडिडेट है फ्रॉम SC ये यहाँ पर जनरल में काउंट किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ST कैंडिडेट है यहाँ पर देखिए 2 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जनरल में, और टोटल यहाँ पर 10 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, इसकी जो ST की कट ऑफ है 60.46 रही है, और ये आपकी जो कट ऑफ है 200 मार्क्स में से बनाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 179 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, और कैटेगरी वाइज इनका जो डिवाइडेशन किया गया है वो सब बता दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो 179 कैंडिडेट हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ये अपीयर हो सकेंगे टायर 2 के एग्जामिनेशन में, जो कि DTPLASBY के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको अलग से सेपरेटली इस टायर 2 के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके जो भी एडमिट कार्ड है या आपके एग्जाम की डेट है वो सेपरेटली आपकी जारी कर दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग विजिट करते रहिएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिएगा नोटिस नंबर है 86, साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन, पोस्ट कोड है 52/20, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और यहाँ पर देखिए टोटल 2 वैकेंसी थी, जिसमें कि जनरल की 1, OBC की 1, टोटल 9 कैंडिडेट है जिनको प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया गया है, क्योंकि जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग इनके मार्क्स बन रहे हैं। तो कट ऑफ क्या रही है फ्रेंड्स वो देखिएगा, 200 मार्क्स में से एक कट ऑफ बनाई गई है, जनरल की कट ऑफ है 104.50, OBC की कट ऑफ है 75.75। तो जो ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है इनको ईडोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बोला गया है थ्रू द OARS मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, DTPLASBY की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DTPLASBY.online.nic.in, इस पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। तो आपका लिंक देखिएगा कब तक एक्टिव रहेगा, ईडोजियर का लिंक आपका एक्टिव रहेगा 5 जनवरी 2022 से लेकर के 19 जनवरी 2022 तक का टाइम पीरियड आपको दिया गया है। तो इस समय में अपने डॉक्यूमेंट्स को ईडोजियर पर अपलोड जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोटिस देखिएगा, नोटिस नंबर है 84, और ये आज की डेट में रिलीज किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ था तो इसलिए ये 31/12/2021 को ही रेडी हो गया था, ये डेट यहाँ पर इन्होंने अपडेट नहीं की है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पोस्ट कोड है 63/20, दिल्ली बोर्ड, और ये यहाँ देखिए टोटल 14 वैकेंसी थी, जिसमें कि जनरल की 8 थी, EWS की 1 वैकेंसी थी, OBC की 3 थी, SC की 1, ST की 1 और इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन 1 वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, DJB डिपार्टमेंट से ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन अंडर पोस्ट कोड 63/20 ये वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर 126 कैंडिडेट थे जो की अपीयर हुए थे और इनके मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। स्टेटमेंट ये लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके OARS इस पोर्टल पर अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मोड से ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था, और यहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट है जो कि इतने मार्क्स ला पाया है जो इस कट ऑफ के इक्वल है, जो ईडोजियर को अपलोड कर सकता है। तो एक ही कैंडिडेट है जिसको यहाँ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया गया है, 126 कैंडिडेट थे जो की अपीयर हुए थे। तो कट ऑफ देखिएगा 200 मार्क्स में से एक कट ऑफ रही है, और OBC की कट ऑफ
77 मार्क्स की रही है, बाकी यहाँ कोई कट ऑफ नहीं है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, नो कैंडिडेट सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो सिर्फ ओबीसी का एक कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर क्वालिफाई हो पाया है, ई डोजियर को अपलोड कर पाएगा। बाकी किसी भी कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी गेन नहीं कर पाया है, तो इसलिए कट ऑफ ही नहीं बनाई गई है। और फ्रेंड्स, जो ये एक कैंडिडेट है जो यहाँ अपलोड करेगा ई डोजियर को, इसका लिंक ओपन रहेगा, एक्टिव रहेगा 5 जनवरी 2022 से लेकर के 19 जनवरी 2022 तक। तो फ्रेंड्स, आप जल्द से जल्द अपने ई डोजियर को टाइम पीरियड के अंदर ही अपलोड कर दीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की डेट में डीट प्लस बी के द्वारा यही नोटिस और रिजल्ट ई डोजियर के रिगार्डिंग अपडेट आज रिलीज की गई थी, जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि जिन कैंडिडेट तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, वो भी इस इंफॉर्मेशन के जरिए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सके और अपने ई डोजियर को टाइम अपलोड कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।